टीचर लाइन, टीचर लाइन पे लेकर आए हैं आपके लिए बाइट साइज ट्रेनिंग। और बाइट साइज ट्रेनिंग की सबसे पहली ट्रेनिंग है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग हम करेंगे कैनवा के थ्रू, तो आ जाए स्टार्ट करते हैं कैनवा के थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग। तो जैसे ही आप लोग कैनवा पे अकाउंट बनाएंगे, ये होम पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पे स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले बनाएंगे पोस्टर। पोस्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे जाके क्रिएटर डिजाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे पोस्टर। बहुत सारे ऑप्शन अपीयर होंगे, लैंडस्केप में क्लब पोस्टर, हॉर्स पोस्टर, हम सिंपल वर्टिकल पोस्टर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास वर्टिकल पोस्टर। ये है हमारा मेन्यू, ये वो है जहाँ पे हमारे पास सब कुछ मौजूद है, यानी कि जितना भी एक्सप्लोर करना है इसका मेन्यू है, इसी को एक्सप्लोर करना है, इसके टूल्स है। हमने मेन्यू इसलिए कहा कि हम जो है वो एक रेस्टोरेंट में है और एक मेन्यू मिला है हमारे सामने और हम कुछ भी खा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये टूल बार है, इसी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको टूल बार कहते हैं, लेकिन हम मेन्यू इसलिए कहते हैं कि वो ईजी टू रिमेम्बर होता है। तो मेन्यू यहाँ पे बहुत सारी चीजें सामने हैं, कुछ चीजें मोर में छुपी हुई हैं। तो मोर क्लिक करेंगे तो आपको बाकी चीजें भी नजर आ जाएंगी। सबसे पहले लेते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहें तो कोई ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस वन। मैं कुछ और पेजेस ऐड कर रही हूँ ताकि मैं आपको मल्टीपल चीजें दिखा सकूँ। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि मैंने कोई सॉलिड कलर ले लिया यहाँ से। तो सॉलिड कलर कौन कौन से हैं भाई, ये सारे सॉलिड कलर्स हैं, मैंने इसमें से एक ले लिया। लेकिन अब मुझे इन सॉलिड कलर्स में से भी ये कलर्स पसंद नहीं आ रहे और मुझे कोई और कलर चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो एक चीज़ होती है HTML कलर कोड्स। HTML कलर कोड्स को आप जो है वो सर्च करें। लेट्स डू इट टुगेदर। यहाँ पे सर्च करते हैं HTML कलर कोड्स। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं, मैं थर्ड वाला ट्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कलर कोड्स हैं, ये दिख रहा होगा आपको कि हर कलर यहाँ पे दिखा दिया है इन्होंने, ठीक है। लेट्स से मैं कोई यहाँ से पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड बनाना चाह रही हूँ, लेट्स से मार्बल ब्लू का। तो मार्बल ब्लू का ये जो कलर कोड है उसको मैं कॉपी करूँगी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे आके मैं कलर के बॉक्स में क्लिक करके ये वाला आइकन सेलेक्ट करूंगी और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नंबर आ रहा है उस पर वो जो नंबर कॉपी करके लाई थी वो पेस्ट कर दूंगी और ये मार्बल ब्लू कलर मेरे पास बैकग्राउंड में आ गया। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है अपने बैकग्राउंड के साथ खेलने का। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट पे आते हैं। यहाँ पे अब मैं चाह रही हूँ कुछ टेक्स्ट ऐड हो जाए, लेट्स से ग्राफिक डिजाइनिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया है और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग। तो तीन तरह के टेक्स्ट हैं, हेडिंग टेक्स्ट, सब हेडिंग टेक्स्ट और बॉडी टेक्स्ट। तो मैंने हेडिंग टेक्स्ट लिया है और लिख दिया ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, और इसको मैं चाहूं तो फॉन्ट चेंज कर सकती हूं। फॉन्ट मैं कोई और चेक करना चाहूं, जो भी करना चाहूं यहां से सेलेक्ट करके मैं कोई फॉन्ट चेंज कर सकती हूं। फॉन्ट के अलावा मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूं, जो भी कलर मैं चाहूं। इसका साइज चेंज कर सकती हूं, लेट्स से मैंने इंक्रीज करके और ये साइज चेंज कर दिया। इसी के साथ मैं कुछ एलिमेंट्स भी ऐड करूंगी। लेट्स से मुझे यहाँ पे एक स्क्वायर चाहिए, तो ये बहुत सारे स्क्वायर आ गए, इसमें से कोई भी एक स्क्वायर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट किया, इसका कलर को मैंने थोड़ा सा और चेंज किया, लेट्स से ये कर दिया और इस तरीके से डिजाइन कर दिया, कुछ स्टार्टिंग डिजाइन बना दिया। ठीक है, और इसमें मैं चाह रही हूँ कि मेरी कोई तस्वीर ऐड हो जाए, तो मैं अपलोड्स पे जाऊंगी और कुछ तस्वीरें ऑलरेडी अपलोड हुई हुई है लेकिन मैं यहाँ से अपलोड मीडिया करूंगी और एक आध तस्वीर मैंने यहाँ ट्रांसपेरेंट करके रखी भी है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तस्वीर मेरे पास आ चुकी है, मैं इसको क्लिक करूंगी और ये यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगी। इसको रीसाइज करके और मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी और ये मेरा पहला पोस्टर कुछ हद तक तैयार हो गया है। अब जस्ट प्लेइंग अराउंड, मैं बहुत कुछ नहीं कर रही हूँ, जस्ट प्लेइंग अराउंड। अब आप ये कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट कैसे है, मेरी तस्वीर ट्रांसपेरेंट कैसे है, तो चले वो भी बता देती हूँ। सिंपली जाएं रिमूव बीजी पर, रिमूव पीजी पर जाएं, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपलोड इमेज, कोई भी इमेज जिसमें से आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है उसको अपलोड करें। मैं डेस्कटॉप से कोई इमेज फाइंड करके अपलोड करती हूँ। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी हैं, मैंने इसमें से ये सेलेक्ट कर ली। अब मैंने ये अपलोड कर ली। अपलोड होते ही
इसने मुझे ट्रांसपेरेंट करके बता दिया कि भाई इसमें मैं ये ट्रांसपेरेंट करके उन्होंने बाकी का पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। तो इसके बाद बस डाउनलोड कर लूंगी, और डाउनलोड करने के बाद इसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के किसी भी पोस्टर में। ये डाउनलोड हुई भी है यहाँ पे, मैं लेकर आई यहाँ पर और मैंने इसको प्लेस कर दी, एंड दिस इज माई अनदर ट्रांसपेरेंट इमेज। ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग एनीथिंग ट्रांसपेरेंट। इसके बाद आपने ये दो तीन एलिमेंट्स ऐड किए, टेक्स्ट ऐड किया, बैकग्राउंड चेंज किया, एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक आवर पोस्टर रियली रेडी इन क्विक फ्यू मिनट्स। तो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, कीप वेटिंग फॉर द सेकेंड वन। गुड लक।